Dear student, in this video lecture we are going to discuss DNA supercoiling. DNA supercoiling एक बहुत ही theoretical एक section है जिसमें हम DNA की supercoiling stage को discuss करेंगे, किस तरीके से इसको study किया जाता है, DNA supercoiling क्या है और mathematically इसके जो formulation है, किस तरीके के questions जो है different competitive exams में आते हैं, वो सारी चीज़ें हम video lectures में discuss करेंगे. हम सबसे पहले यहाँ पे दो सब वर्ड्स को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एक तो कॉइलिंग और एक होता है सुपर कॉइलिंग, राइट. तो देखिए पहले जो है फोन टेलीफोन जो यूज होते थे वायर वाले टेलीफोन, तो उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती थी. जो उनका वायर होता था वो छोटी छोटी कॉइल्स जैसे स्ट्रक्चर लिए हुए होता था, इसको कहते थे कॉइल या कॉइलिंग. और ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी इस तरीके से ओवरलेप हो जाती थी, इसको कहते हैं हम सुपर कॉइल. आप इस डायग्राम से भी सुपर कॉइलिंग और कॉइलिंग को समझ सकते हो कि ये जो है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें आपने स्ट्रेन डेवलप किया और जैसे ही आपने स्ट्रेन डेवलप किया तो देखिए वहाँ पे इस तरीके से जो कॉइल स्ट्रक्चर है वो ओवरलेप कर गई, इसको ही हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं. तो अगर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है तो कॉइलिंग, लेकिन अगर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही कॉइलिंग हो रही है तो वो सुपर कॉइलिंग कहलाती है, राइट. यहाँ पे ये एक जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए. थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारा जो डीएनए है वो तीन स्टेज में पाया जा सकता है. या तो वो रिलैक्स डीएनए होगा, या वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगा, या वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगा. जो नेगेटिव जो सॉरी रिलैक्स डीएनए है, वो रिलैक्स डीएनए अगर राइट साइड वहाँ पे रोटेशन पाया जा रहा है, मतलब उसमें जो कॉइलिंग है वो अगर राइट हैंड कॉइलिंग है तो उसको हम नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कहेंगे, और अगर वहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉइलिंग है तो उसको हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहेंगे. यूजुअली जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम में नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है. ये आपको याद रखना है कि भाई जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, एग्जाम्पल्स अगर देखें तो एग्जाम्पल्स जो हैं मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं मोस्टली नेगेटिव सुपर कॉइलिंग पड़ जाए, तो सुपर कॉइलिंग पड़ जाए पहली चीज, मतलब 99.9% जो ऑर्गेनिज्म है उनमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ही पाई जाती है. लेकिन अगर मैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का एग्जाम्पल देखूँ तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में कुछ आर्की बैक्टीरिया आते हैं, सम आर्की बैक्टीरिया, और ये आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, या तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या पीएच बहुत कम है, तो इसमें सम आर्की बैक्टीरिया, राइट. पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी नहीं जाती, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या है. अभी हमने बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल डिस्कस भी नहीं किया है, अभी हम थोड़ा सा आगे इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे. तो ये तो एक जनरल व्यू था कि भाई जो हमारे डीएनए है वो रिलैक्स डीएनए भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में भी हो सकता है. लेकिन पॉइंट अभी उठता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है या रिलैक्स डीएनए है. तो देखिए इसका एक सीधा सा कंसेप्ट है कि जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, पहली चीज तो ये कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है मोस्ट ऑफ द जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पे बी टाइप डीएनए मिलता है, राइट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं नॉर्मल डीएनए की स्टडी कर रहा हूँ तो वहाँ मैं किस टाइप के डीएनए की बात कर रहा हूँ, बी टाइप डीएनए की बात कर रहा हूँ. इस बी टाइप डीएनए में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिस्कस करूँ, बी टाइप डीएनए में अपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि पर हेलिकल टर्न, राइट, 10.5 बेस पेयर पाए जाते हैं. मतलब एक टर्न में, मतलब एक 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल जब बनता है तो एक 360 डिग्री के कंप्लीट रोटेशन पे जो नंबर ऑफ बेस पेयर वहां पाए जाते हैं वो होते हैं 10.5 बेस पेयर. हो सकता है वो वहां पे आपको वैल्यू 10 भी दे दे, तो 10 और 10.5 में से वो कुछ भी वैल्यू वहां पे दे सकता है, राइट.
अगर वैल्यू नहीं दी है तो आपको ये याद रहना चाहिए, आपको कैलकुलेशन 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न के हिसाब से करना है। इस डीएनए में यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो आपको पर हेलिकल टर्न जो बेस पेयर है, मतलब एक टर्न में आपको 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न ही मिलेगा, पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है। अगर आप, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न ना मिले, राइट। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई कि आपके एक टर्न में 10.5 बेस पेयर हैं, और दूसरी सिचुएशन हो गई कि आपके टर्न में 10.5 बेस पेयर नहीं है। अगर आपके डीएनए में ये सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन पाई जाती है, तो उसको हम रिलैक्स डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलैक्स डीएनए, ये हमेशा याद रखना। तो अगर किसी डीएनए में 10.5 बेस पेयर पर टर्न पाया जा रहा है तो वो रिलैक्स डीएनए है, राइट। लेकिन अगर उसमें एक टर्न में 10.5 बेस पेयर नहीं पाया जा रहा तो वो रिलैक्स डीएनए नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सुपर कॉइलिंग प्रेजेंट है, राइट। नो रिलैक्स डीएनए, और जब वो रिलैक्स नहीं है तो वहां पे क्या मौजूद है? सुपर कॉइलिंग प्रेजेंट है। अब सुपर कॉइलिंग में भी क्वेश्चन उठता है कि भाई वो कैसी सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो देखिए, यहाँ 10.5 में भी दो सिचुएशन है, या तो 10.5 पर 10.5 बेस पेयर से पर टर्न से ज़्यादा हो, या 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न से कम हो। तो अगर नंबर ऑफ बेस पेयर एक हेलिकल टर्न में 10.5 बेस पेयर से कम है, राइट, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न से अगर टर्न नंबर ऑफ बेस पेयर कम है एक टर्न के अंदर, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडरवाइनिंग। यहां पर डीएनए किस में चला गया है? अंडरवाइनिंग में, डीएनए गो टू अंडरवाइंडिंग, राइट। अंडरवाइंडिंग कहते हैं किसी भी चीज को खोलना, राइट। तो यहाँ पर डीएनए जो है वो अंडरवाइंडिंग में चला गया है, या फिर ये कहेंगे कि डीएनए अंडरवाइंड सिचुएशन में मौजूद है। मतलब कि जो बेस पेयर है वो कम है, इसका मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से थोड़ा खुले हैं, उनके बीच में थोड़ा सा हमने उनको खोला है, तो उसको हम अंडरवाइंडिंग कहते हैं। जैसे एक रस्सी है, रस्सी छोटी छोटी स्मॉल रस्सियों से मिलकर बनी होती है, तो उनको अगर आपस में आप खोलोगे तो वो अंडरवाइंडिंग कहलाता है। और अगर उसमें स्ट्रेन डेवलप कर रहे हो, उसको टर्मिनल से उसको और टाइट कर रहे हो, तो उसको ओवरवाइंडिंग कहते हैं। तो अगर 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न से बेस पेयर की संख्या कम है तो डीएनए अंडरवाइंडिंग सिचुएशन में माना जाता है। और इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड सुपर कॉइलिंग, मतलब जो सुपर कॉइलिंग है उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड सुपर कॉइलिंग या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अगर कहीं शब्द आ रहा है, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है अंडरवाइंडिंग सिचुएशन में डीएनए का पाया जाना, डीएनए का थोड़ा सा खुला हुआ रहना, मतलब वहां डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेन उनमें, तनाव नहीं है। अगर 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा कब हुआ? जब आपने दोनों स्ट्रैंड, मतलब डीएनए को और ज़्यादा टाइट किया है। जैसे रस्सी को और ज़्यादा टाइट करो तो दोनों जो भी कंपोनेंट उसके हैं वो और टाइट हो जाए, तो उसको कहते हैं डीएनए जो है वो यहाँ पे अंडरवाइंडिंग में नहीं है, वो किस में है? ओवरवाइंडिंग में। तो यहाँ पर डीएनए जो है ओवर वाइंडिंग में चला गया है, ठीक है। अब जब ओवर वाइंडिंग में चला गया है तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं राइट हैंड सुपर कॉइलिंग, ठीक है। और राइट हैंड सुपर कॉइलिंग का ही हम दूसरा नाम देते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। इसका मतलब अगर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग लिखी हुई है कहीं, तो वो कौन सी सुपर कॉइलिंग की बात कर रहा है? राइट हैंड सुपर कॉइलिंग की बात कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मोस्टली जो हमारे लिविंग सिस्टम है
तो मोस्टली अगर इसमें एग्जांपल देखें तो राइट हैंड या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में अगर हम एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं तो मोस्टली सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, तो मोस्टली सेल में इस तरह की सिचुएशन पाई जाती है। और लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो जैसे कि मैं प्रीवियस स्लाइड में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, जो सम आर्किबैक्टीरिया जो हैं, कुछ आर्किबैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें इस तरह की सुपर कॉइलिंग पाई जाएगी, सम आर्किबैक्टीरिया, राइट। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सुपर कॉइलिंग कब मौजूद होती है, रिलैक्स डीएनए कब कंसीडर किया जाता है। अब सुपर कॉइलिंग में भी नेगेटिव पॉजिटिव राइट हैंड लेफ्ट हैंड सुपर कॉइलिंग को हम कब कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सुपर कॉइलिंग को स्टडी कैसे किया जाए। कोई तो एक मैथमेटिकल वैल्यू हो जिसके रेफरेंस में, जिसके रेस्पेक्ट में इस चीज़ों को स्टडी किया जाए। तो इन्हीं चीज़ों को एक प्रॉपर वे में एड्रेस करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म जो है वो डिजाइन की गई, और वो था लिंकिंग नंबर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है, अगर सुपर कॉइलिंग में से क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से होगा, लिंकिंग नंबर से होगा। तो जो लिंकिंग नंबर है, पहले तो ये देखिए लिंकिंग नंबर क्या है। लिंकिंग नंबर एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है पहली चीज। दूसरा, लिंकिंग नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज अंटिल अनलेस, कैन नॉट बी चेंज विदाउट ब्रेक ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड है। तो जब तक आप फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप लिंकिंग नंबर को चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ उसकी जनरल पहले हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। लिंकिंग नंबर जो है, आप कितना भी डू नॉट चेंज इन स्ट्रेस सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि सेल जो है अगर स्ट्रेस कंडीशन में है तो वहाँ पे लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस कंडीशन में हमारी सेल की बहुत सारी नॉर्मल प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लिंकिंग नंबर के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं होगा। तो लिंकिंग नंबर है वो ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू है, पॉइंट्स में इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पूछूं कि इसकी लिंकिंग नंबर वैल्यू क्या है, आप बोलो 2.5, 3.5, 3.25, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती है। इसकी ऑलवेज इंटीजर वैल्यू आएगी। और जब भी मैं बात करता हूँ इंटीजर वैल्यू, तो इसका मतलब है कि या उसकी वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कंप्लीट वैल्यू होगी, इसको हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टी देखी लिंकिंग नंबर की, कि भाई लिंकिंग नंबर एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, बिना बॉन्ड ब्रेक आप नहीं उसको चेंज कर सकते, स्ट्रेस कंडीशन में भी चेंज नहीं होता है। लिंकिंग नंबर जो है ये राइट हैंड के लिए, देखिए पॉजिटिव 4, अगर लिंकिंग नंबर की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर ये इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो +V से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। पॉजिटिव वैल्यू जो है, अगर आपको कहीं लिंकिंग नंबर की दिख रही है तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी राइट हैंड डीएनए लिंकिंग नंबर के लिए, राइट। तो राइट हैंड के लिए पॉजिटिव वैल्यू, राइट हैंड सुपर कॉइलिंग, राइट। तो अगर सुपर कॉइलिंग राइट हैंड सुपर कॉइलिंग है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी लिंकिंग नंबर की, पॉजिटिव। और अगर लिंकिंग नंबर की वैल्यू नेगेटिव है तो वो आपको एक इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो सुपर कॉइलिंग है वो राइट हैंड नहीं है, वो कैसी है, लेफ्ट हैंड सुपर कॉइलिंग है, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कभी कभी बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि वो राइट हैंड सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग भी बोलता है, जबकि लिंकिंग नंबर में वो पॉजिटिव लेके चल रहा है। तो आपको इसको इस तरीके से समझना है कि हम राइट हैंड सुपर कॉइलिंग को जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, वो हम राइट हैंड के कंसेप्ट में उस सुपर कॉइलिंग के टाइप के लिए वो उसको यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ये हम लिंकिंग नंबर की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो आपको राइट हैंड सुपर कॉइलिंग को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू लिंकिंग नंबर की आ रही है तो वो आपको लेफ्ट हैंड सुपर कॉइलिंग को मतलब इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो लिंकिंग नंबर है यहाँ पे। एक और एक कंसेप्ट आती है और उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल आइसोमर। टोपोलॉजिकल आइसोमर, देखिए टोपोलॉजिकल आइसोमर का मतलब होता है जैसे दो डीएनए है, ये है डीएनए ए और एक दूसरा डीएनए ले लेता हूँ, ये है डीएनए बी। यूजुअली लिंकिंग नंबर कंसेप्ट लीनियर डीएनए में हम नहीं पढ़ते, लेकिन क्या है जस्ट इसको मैं सर्कुलर बना देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लैश ना हो। ये मान लो एक डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, राइट। दूसरा एक डीएनए है, ये भी डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इन डीएनए की सारी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एक्सेप्ट लिंकिंग नंबर एल के ए इज नॉट इक्वल टू एल के बी, मतलब दोनों डीएनए जो हैं इनकी सारी प्रॉपर्टी मेल्टिंग टेम्परेचर, डेंसिटी, जीसी कंटेंट, एवरीथिंग इज सेम बट दैट लिंकिंग नंबर इज डिफरेंट। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनमें सारी प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट लिंकिंग नंबर, ऐसे मॉलिक्यूल आइसोमर को हम टोपोलॉजिकल आइसोमर कहते हैं। तो ये तो था कि वही लिंकिंग नंबर क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है लिंकिंग नंबर जो है वो उसको डिफाइन कैसे करोगे। देखिए लिंकिंग नंबर का मतलब होता है कि एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के रेस्पेक्ट में कितनी बार टर्न ले रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स वन स्टैंड ऑफ डीएनए क्रॉस अनदर स्टैंड इन स्पेस। मतलब कि नंबर ऑफ टाइम, अगर मैं लिंकिंग नंबर को डिफाइन करूं तो इसको मैं डिफाइन करूंगा कि नंबर ऑफ टाइम मतलब जितनी बार नंबर ऑफ टाइम वन डीएनए स्ट्रैंड क्रॉस एनोदर डीएनए स्ट्रैंड, मतलब एक जो डीएनए स्ट्रैंड है वो दूसरे डीएनए स्ट्रैंड को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, लिंकिंग नंबर कहेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे ये इस तरीके से डीएनए है, दो स्टैंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ एक रोटेशन का मतलब इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं डीएनए में, तो उसमें सामने से देखने पर एक डीएनए जो है स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस करता हुआ महसूस होता है हमें। तो यहीं से ये कंसेप्ट निकला है लिंकिंग नंबर। तो लिंकिंग नंबर का मतलब होता है कि डीएनए का एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के रेस्पेक्ट में कितनी बार क्रॉस हुआ है, उसको हम कहेंगे लिंकिंग नंबर। अब लिंकिंग नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है, तो देखिए लिंकिंग नंबर का एक फॉर्मूला है एल के इज इक्वल टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर। यहाँ पे जो एल के है ऑब्वियसली ये हमारा लिंकिंग नंबर हो गया। अगर हम ये देखें कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये चीज़ें क्या हैं, तो जो एल के है वो हो गया हमारा लिंकिंग नंबर। जो हमारा टी डब्ल्यू है इसको कहते हैं हम ट्विस्ट, और जो डब्ल्यू आर है इसको कहते हैं रिथ। और क्वेश्चन ये उठता है कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो देखिए नंबर ऑफ टोटल हेलिकल टर्न, नंबर ऑफ टोटल हेलिकल टर्न, किसी डीएनए में कितना हेलिकल टर्न है वो उसके ट्विस्ट को दिखाएगा। अब इसको समझिए कैसे, एक डीएनए है, एक बी टाइप का सपोज करो डीएनए है और इसकी जो लंबाई है वो है 500 बेस पेयर।
इसमें मैं अगर ये देखना चाहूँ कि इसमें कितने ट्विस्ट होंगे, तो देखिए 500 जो बेस पेयर हैं एक हेलिकल टर्न में भी डीएनए में, अगर मैंने डीएनए यहाँ तो मैंने डीएनए फिर भी स्पेसिफिक कर दिया है, अदरवाइज अगर मैं डीएनए स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो मुझे भी बी टाइप डीएनए मान के चलना है। तो 500 डिवाइडेड बाई 10, मैं ये मान के चलता हूँ कि एक हेलिकल टर्न में 10 जो है वो बेस पेयर है बी डीएनए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 50। इसका मतलब टी डब्ल्यू की वैल्यू एक ऐसे डीएनए जिसमें 500 बेस पेयर जो मौजूद हैं उसके लिए 50 जो है टी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 1000 करता तो भी वो 10 से डिवाइड होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि टोटल जीनोम साइज को अगर आप पर हेलिकल टर्न की संख्या से डिवाइड कर दो तो वो आपको टी डब्ल्यू की वैल्यू दे देगा, राइट? कि टोटल कितने हेलिकल टर्न हैं वो आपको टी डब्ल्यू की वैल्यू दे देगी। और हेलिकल टर्न की वैल्यू कैसे पता करनी है, टोटल बेस पेयर में या टोटल साइज में 10 या 10.5 जो भी वैल्यू आपको दी हुई है, अगर नहीं दी हुई है तो आपको 10.5 से डिवाइड कर देंगे तो वो टी डब्ल्यू की वैल्यू वहां पे आ जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है रिथ ये क्या है। तो जो रिथ है, रिथ कहते हैं सुपर कॉइलिंग, राइट? यहाँ पे जो सुपर कॉइलिंग, राइट, सुपर कॉइलिंग अमाउंट मतलब ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ये सुपर कॉइलिंग के अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? अब कैसे सुपर कॉइलिंग के अमाउंट को आप काउंट करोगे, तो जैसे मान लो ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, राइट? और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है इस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है? तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड दिखा रखा है ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है? अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए सामने से कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब डब्ल्यू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 4। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये ऐसा लग जा रहा है, आपको लग रहा है जैसे ये डीएनए की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर हो, ऐसा नहीं है, राइट? इसको आगे हम एक डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ी कन्फ्यूज कर रही है, राइट? तो परेशान नहीं होना है। डब्ल्यू आर की वैल्यू जो है या तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो डायग्राम देख के आप काउंट कर सकते हैं। बाहर से डायग्राम देखने पर वो कितनी बार जो है क्रॉस कर रहा है उससे, जैसे मैं अगर थोड़ा सा इस डायग्राम को देखूं, इस डायग्राम में ये देखिए कि यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड क्या एक दूसरे को कभी क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं, एक बार क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब डब्ल्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई। अब प्लस होगी या माइनस होगी वो डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अब यहाँ भी देखो एक बार ही स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ भी डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 1। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में जो डब्ल्यू आर आप काउंट कर रहे हो उसको पॉजिटिव मानूँ या नेगेटिव मानूँ। तो देखिए जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग थी, इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को मैंने राइट हैंड नाम दिया था, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को लेफ्ट हैंड सुपर कॉइलिंग का नाम दिया था। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो है इसके लिए, जैसे अब जैसे यहाँ पे जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है इसके लिए इसकी वैल्यू प्लस होगी, और अगर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है वहाँ पे डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो आपका डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर से कितनी बार गुजर रहा है, जितनी बार वो गुजर रहा है वो डब्ल्यू आर की वैल्यू होती है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के लिए डब्ल्यू आर की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है? आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे डब्ल्यू आर कैसे कैलकुलेट, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे और ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको डब्ल्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट की ये थोड़ा सा पता चल गया। तो यहाँ पे टी डब्ल्यू जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न, राइट? अब हेलिकल टर्न जो है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डीएनए साइज जो है, अगर मैं डीएनए साइज को
बेस पेयर पर हेलिकल टर्न से डिवाइड कर दूं। अब वो बेस पेयर पर हेलिकल टर्न अगर उसने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 10.5 से डिवाइड करना। तो बेस पेयर पर हेलिकल टर्न से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये जो वैल्यू है ये मुझे क्या देगी, ये मुझे देगी टी डब्ल्यू की वैल्यू। और डब्ल्यू आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें लिंकिंग नंबर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको आप जब तक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ रिलैक्स डीएनए में क्या कंडीशन है। तो रिलैक्स डीएनए जो है यहाँ पे क्या डीएनए स्टैंड एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होते हैं, इस डायग्राम में देखिए रिलैक्स डीएनए में दोनों डीएनए स्टैंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहीं भी क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब डब्ल्यू आर की वैल्यू रिलैक्स डीएनए में क्या रहेगी, जीरो। तो ये वैल्यू वहां पे रखिए। तो यहाँ पे रिलैक्स डीएनए में अगर मैं इस इक्वेशन में एल के इज इक्वल टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर में डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या रखूं, जीरो, तो एल के जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब टोटल हेलिकल जो टर्न है वो ही रिलैक्स स्टेज में लिंकिंग नंबर को शो करेगा। ठीक है, रिलैक्स स्टेज में लिंकिंग नंबर को हम एल के जीरो से शो करते हैं, इस आपको इसको ध्यान रखना है। अब रिलैक्स डीएनए तो हमेशा नहीं रहेगा, वहां पे सुपर कॉइलिंग भी हो सकती है। तो देखिए इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे टोटल जो साइज है इसका 210 बेस पेयर है, और 210 जो बेस पेयर है इस 210 बेस पेयर में एल के की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अगर मैं इसको 10.5 से डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। लिंकिंग नंबर यहाँ पे 20, टी डब्ल्यू भी 20। क्यों, क्योंकि 210 डिवाइडेड बाई 10.5 तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट इतनी ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो 20 के आसपास ये आपको वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है साइज को आप हेलिकल टर्न से डिवाइड करके जो वैल्यू ला रहे हो ये किसकी वैल्यू ला रहे हो, ये आप टी डब्ल्यू की वैल्यू ला रहे हो। ठीक है, तो टी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आपको कितनी आ गई यहाँ पे, 20। अब चूंकि ये रिलैक्स डीएनए है तो यहाँ पे दोनों डीएनए स्टैंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्रॉस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या है, जीरो। अब यहाँ पे आपने इसको कट किया और आपने चार जो टर्न हैं वो रिमूव कर दिए। जब आप चार टर्न रिमूव कर दोगे तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है। अगर सिचुएशन इस तरीके से मिल रही है, यहाँ पे लिंकिंग नंबर जो है वो 16 हो गया क्योंकि आपने बॉन्ड को कट किया है और चार टर्न को वहां से रिमूव किया है, तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर पहले कितना था, 20, अब कितना हो गया, 16। टी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही रही, लेकिन डब्ल्यू आर यहाँ डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे को देखो कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं, एक दो तीन चार, चार बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको इस तरीके से चीजें चेंज होंगी। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया है किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं उनको मैं बता रहा हूँ। एक दूसरे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, अगर रिलैक्स डीएनए है तो 36 उसमें लिंकिंग, अगर ट्विस्ट आ रहा है तो लिंकिंग नंबर भी 36 होगा क्योंकि डब्ल्यू आर की वैल्यू तो वहाँ 0 होती है, इसीलिए इस डीएनए को हम कहेंगे रिलैक्स डीएनए। लेकिन अगर इस डीएनए में हम कुछ काट पीट कर दी, हमने जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा और उसमें जो है या तो हमने उसको ओवरवाइंड किया, उसको थोड़ा और टाइट किया कॉइलिंग को, या फिर हमने लूज किया। तो अगर लूज करते हैं तो अंडरवाइंडिंग और टाइट करते हैं तो ओवरवाइंडिंग। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे डीएनए में सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हुई है तो कितनी बार दोनों स्टैंड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब 6 बार दोनों स्टैंड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से। तो ये हो गई डब्ल्यू आर की वैल्यू। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइलिंग है ये, अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये लेफ्ट एंड है राइट एंड है,
देखिए यहाँ माइनस साइन जो है डब्ल्यू आर में लगा हुआ है, और जो माइनस साइन डब्ल्यू आर में अगर है तो वो जो है अंडरवाइंडिंग सिचुएशन को दिखाता है, और अंडरवाइंडिंग या नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को दिखाता है, ठीक है। तो वो माइनस और पॉजिटिव से आपको ये पता करना है। तो यहाँ पे जो लिंकिंग नंबर है, यहाँ कितना था 36, यहाँ भी जो है 36 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एल के देखिए यहाँ कहीं भी आपने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा नहीं है किसी भी सिचुएशन में, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक एल के चेंज नहीं होगा। इसका मतलब रिलैक्स स्टेज में अगर लिंकिंग नंबर 36 है तो सुपरकॉइल स्टेज में भी कितना होगा 36, तो एल के इज इक्वल टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर, ये होना चाहिए। तो लिंकिंग नंबर की वैल्यू कितनी है 36 इज इक्वल टू ट्विस्ट, ट्विस्ट कितना है 42, राइट। कुछ वैल्यू आपको मिलेंगी माइनस 6, 42 में से 6 गया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 36 ही आ गया। तो कहने का मतलब है कि लिंकिंग नंबर जो है वो जब तक आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं तोड़ोगे वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने ये न्यूमेरिकल के रूप में नहीं देखा, ये आपको समझाने के लिए कि लिंकिंग नंबर जो है वो ट्विस्ट और रिस्ट से किस तरीके से मॉड्यूलेट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, चेंज इन लिंकिंग नंबर, कि आपको अगर कभी लिंकिंग नंबर वैल्यू ना दे और वो चेंज इन लिंकिंग नंबर, कभी कभी वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता और लिंकिंग नंबर में चेंज दे देता है, और चेंज इन लिंकिंग नंबर को हम डेल्टा एल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल के का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला होता है एल के माइनस एल के जीरो, ठीक है। तो ये डेल्टा जो एल के है ये है लिंकिंग नंबर में चेंज, एल के जो है वो है लिंकिंग नंबर आफ्टर टी टाइम, लिंकिंग नंबर एल के वैल्यू आफ्टर ब्रेक ऑफ बॉन्ड, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के टूटने के बाद जो लिंकिंग नंबर है वो क्या है, और रिलैक्स स्टेज में लिंकिंग नंबर कितना है। तो रिलैक्स स्टेज एल के, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एल के जीरो। तो रिलैक्स स्टेज में लिंकिंग नंबर कितना है उसको अगर आप पर्टिकुलर कोई बॉन्ड तोड़ने के बाद जो लिंकिंग वैल्यू है उसमें से अगर माइनस करते हो तो आपको चेंज इन लिंकिंग नंबर मिल जाएगा। अब डेल्टा एल के, अगर लिंकिंग नंबर में चेंज जो है वो अगर पॉजिटिव है, राइट, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी वैल्यू जीरो से क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये सुपर कॉइलिंग दिखाएगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो लिंकिंग नंबर जो है अगर इसकी वैल्यू लिंकिंग नंबर चेंज की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर डेल्टा एल के की वैल्यू नेगेटिव आती है या फिर जीरो से लेस देन होती है तो ये यहाँ पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को एक्सप्रेस करेगा, ये यहाँ हो जाएगा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस तरीके से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंज इन एल के, राइट। यहाँ पे मैथमेटिकल कंपैरिजन अगर दो सैंपल्स का किया जाए, बेस्ड अगर मैं सुपर कॉइलिंग को स्टडी कर रहा हूँ और दो सैंपल्स को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सुपर हेलिकल डेंसिटी एक टर्म आती है, सुपर हेलिकल डेंसिटी, ठीक है। तो सुपर हेलिकल डेंसिटी जो है उसका मतलब होता है सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ डीएनए, ठीक है, ऑफ डीएनए। तो देखिए सुपर हेलिकल डेंसिटी को हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल के, मतलब लिंकिंग नंबर में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय एल के जीरो, मतलब रिलैक्स स्टेज में कितनी लिंकिंग नंबर है। यूकेरियोटिक सिस्टम में जो लिंकिंग वैल्यू है उसको अगर आप दो सैंपल्स का आपस में कंपेयर करो तो सुपर हेलिकल डेंसिटी के वैल्यू के टर्म्स में उनको हम कंपेयर करते हैं,
एक्सप्रेस किया जाता है, डेल्टा एल के बाई डेल्टा एल के जीरो। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, अगर हम लिविंग सिस्टम में इसकी वैल्यू देखे हैं, तो यूकैरियोटिक सिस्टम जो है, यूकैरियोटिक सिस्टम जो है उसके अंदर इसकी वैल्यू पाई जाती है 0.06। तो यूकैरियोटिक सिस्टम में इसकी वैल्यू 0.06, तो जो माइनस है वो तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को दिखाता है कि भाई यूकैरियोटिक सिस्टम में मोस्टली कौन सी सुपर कॉइलिंग पाई जाती है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। और ये जो वैल्यू आ रही है ये दिखाता है डिग्री कि मतलब जो डिग्री ऑफ अनवाइंडिंग है, क्योंकि नेगेटिव जो सुपर कॉइलिंग है वो अंडरवाइंडिंग में जो है शो करेगा, और अंडरवाइंडिंग में डिग्री कितना है, मतलब कितने डिग्री उसमें अंडरवाइंडिंग हो चुका है, तो डिग्री ऑफ अंडरवाइंडिंग, तो अंडरवाइंडिंग जो है वो कितना हो चुका है इन डिग्री, और इसकी वैल्यू को किस में रिफ्लेक्ट करोगे आप, डिग्री में। तो जैसे अगर -0.06 है सुपर हेलिकल डेंसिटी की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेट 6 डिग्री अंडरवाइंडिंग डीएनए हो चुका है और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, क्योंकि सुपर हेलिकल डेंसिटी से पहले माइनस साइन लगा हुआ है। लिंकिंग नंबर जो है इसको लेके थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चंस देखें, क्योंकि उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो देखिए, आपके पास एक प्लाज्मिड डीएनए है जिसमें 5500 बेस पेयर है, तो मतलब जो साइज है डीएनए का, साइज वो कितना है, 5500 बेस पेयर। यहाँ पे जो डीएनए गायरेज है उसको ट्रीट किया गया, मतलब उस डीएनए को जो हमने लिया था प्लाज्मा डीएनए उसको डीएनए गायरेज से ट्रीट किया, और उसमें नेगेटिव सुपर कॉइल 50 आ गए। ठीक है, तो जो नेगेटिव सुपर कॉइल है तो सुपर कॉइलिंग की वैल्यू को कौन दिखाता है, डब्ल्यू आर, तो नेगेटिव है मतलब -50। अब डब्ल्यू आर की वैल्यू अगर माइनस है तो वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को दिखाता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें और वैल्यू क्या दी है, बी डी एन ए दिया है कि भाई बी डी एन ए में आपको जो बेस पेयर पर टर्न लेके चलना है वो है 10, और इसमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, ये डेटा आपको दिया गया है। तो इसमें 10 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न माना गया है। व्हाट इज द लिंकिंग नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर गायरेज ट्रीटमेंट, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें लिंकिंग नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका साइज जो है, मैंने बताया था कि अगर आपको लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करना है तो लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला क्या है, टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर। अब वी तो आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब वो रिलैक्स स्टेज में है, राइट, रिलैक्स स्टेज में है, तो टी एल के किसके इक्वल हो जाएगा, टी डब्ल्यू के। और टी डब्ल्यू जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज डिवाइडेड बाई 10। तो साइज कितना दिया हुआ है इसका, 5500 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 550 जो है इसकी लिंकिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी लिंकिंग वैल्यू 550 टर्न आ गई। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं गायरेज के साथ इसको ट्रीट कर दिया जाए तो लिंकिंग नंबर, देखिए जब तक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटेगा ये नहीं चेंज होगी, लेकिन गायरेज जो है वो एक तरीके का टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, और टोपोआइसोमरेज एंजाइम अकेले ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें लिंकिंग नंबर को चेंज करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ लिंकिंग नंबर क्या होगा अगर उसको डीएनए गायरेज से ट्रीट कर दिया जाए, तो डीएनए गायरेज से ट्रीट करने के बाद उसने कितने सुपर कॉइल पैदा कर दिए, 50, तो ये किसकी वैल्यू थी, रिस्क की। तो यहाँ पर टी डब्ल्यू प्लस, तो टी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, 550, ये हमने अभी निकाली देखो, और उसमें से कितना माइनस करना है, -50 माइनस करना है, तो ये 500 जो वैल्यू है ये बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस इसलिए किया क्योंकि ये जो है सुपर कॉइलिंग जो इंड्यूस हुई है ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। व्हाट इज अ चेंज इन लिंकिंग नंबर आफ्टर ट्रीटमेंट विद डीएनए गायरेज, तो देखिए हमने यहाँ पर लिंकिंग नंबर तो कन्वर्ट चेंज कैलकुलेट कर ही लिया है, राइट,
तो आपको अगर डेल्टा एल निकालना है तो डेल्टा एल कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल के माइनस एल के जीओ, मतलब आप बॉन्ड बनाने के बाद कितनी लिंकिंग नंबर है और पहले कितने थे, रिलैक्स स्टेज में कितने थे, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड 500 निकल के आया आंसर, और पहले कितना था 550। तो जो लिंकिंग नंबर है डेल्टा एल है उसकी वैल्यू क्या आ गई? -50। और जो सिग्मा है, सुपर हेलिकल डेंसिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल बाई एल के जीरो। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? -50। और एल के जीरो, एल के जीरो जो है मतलब कि रिलैक्स स्टेज में कितनी लिंकिंग नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या थी? 550। तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो आती है -0.09। जो माइनस साइन है ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को शो कर रहा है, और 9 जो है वो डिग्री, ये जो अंडर वाइंडिंग है वो 9 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो इसको ओवर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने सुपर कॉइलिंग को लेके कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। यहाँ पे सुपर कॉइलिंग में बहुत ज़्यादा आपसे डेप्थ चीज़ें नहीं आएंगी, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे।